हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स क्रैक सीयूईटी यूजी। मैं हूं आप सभी की सीयूईटी इंग्लिश मेंटोर जानवी मेहरा, और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यार सीयूईटी का जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ cuet.samarth.ac.in। ये है बच्चों आप लोगों का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो कि रिलीज किया गया है अगेन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीयूईटी सामर्थ। बेटा आज बात करते हैं इस वीडियो के अंदर बेसिकली कि क्या रहने वाली है सीयूईटी 2023 की पूरी फी। तो हम लोग बात करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर के बारे में। पिछले वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता चुकी हूँ कि कब से लेके कब तक आप लोगों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चलने वाला है, दैट इज 9 फरवरी टिल 12th of March आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीयूईटी के लिए। दूसरी बात बेटा, जो फी पे करने की लास्ट डेट है वो है 12th March 2023, यानी कि 12th मार्च ही जो आपका लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन का है, तब तक आपको अपनी फी भी पे कर देनी है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी मोड से कर सकते हैं फी को पे। दूसरी बात, करेक्शंस के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी हम लोग एग्जैक्ट बात करने वाले हैं फी के बारे में कि एग्जैक्टली जो फी का स्ट्रक्चर है वो क्या है। सो अगर हम लोग फी की बात करें, सो ये देखिए यहां पर बोला गया है फी पेबल बाय कैंडिडेट्स इन INR रुपीज। ओके, सो जनरल वालों के लिए अगर हम बात करें, सो आप मान लीजिए आप सीयूईटी एग्जामिनेशन में 3 सब्जेक्ट चुन रहे हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि आप मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट तक यानी कि 10 पेपर्स दे सकते हैं सीयूईटी के अंदर। अगर आप 3 पेपर्स में या 3 सब्जेक्ट्स में अपना टेस्ट सीयूईटी का देना चाहते हैं तो जनरल वालों के लिए जो फी है वो हो जाएगी आपकी 750 रुपीज, ठीक है, समझना। नाउ जनरल कैटेगरी के लिए अगेन, अगर कोई बच्चा 3 से ज्यादा सब्जेक्ट्स दे रहा है, सपोज एक बच्चा दे रहा है 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन और 1 जनरल टेस्ट, यानी कि वो टोटल 5 दे रहा है, तो अगर आप अप टू 7 यानी कि 3 से ऊपर दे रहे हो और 7 से कम दे रहे हो सब्जेक्ट्स में, तो आपकी 1500 रुपये जो है वो फी लगेगी। दूसरी बात, अगर आप पूरे 10 सब्जेक्ट्स दे रहे हो, 7 से ज़्यादा दे रहे हो, या 10 सब्जेक्ट्स दे रहे हो या 10 से कम भी दे रहे हो, लेकिन 7 से वो ज़्यादा होने चाहिए, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट्स की बात कर रही हूँ, राइट। मान लो आपने 2 लैंग्वेजेस दे दिए, आपने 7 डोमेन दे दिए एंड 1 जनरल टेस्ट दे दिया, तो टोटल 10 टेस्ट आप मिला के अगर दे रहे हैं तो आपकी फ़ी लगेगी 1750, दैट इज 1750 रुपीज़। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, सो यहाँ पर OBC वालों के लिए और EWS कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फ़ी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है जनरल कैटेगरी से। 3 सब्जेक्ट में अगर ये लोग देते हैं तो इनको 700 रुपीज़ देने हैं। अप टू 7 सब्जेक्ट्स में अगर ये लोग टेस्ट यू नो चूज़ करते हैं, एग्ज़ाम देने के लिए चूज़ करते हैं सीयूईटी के अंदर, तो इनको 1400 रुपये फ़ी देनी है। एंड अप टू 10 सब्जेक्ट्स अगर ये लोग चूज़ करते हैं तो वो 800 रुपीज़ का आपका फ़ायदा है, आपको कम देने होंगे जनरल कैटेगरी वालों से 1650 रुपीज। अब बात करते हैं SC ST पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो बेंचमार्क डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, एंड थर्ड जेंडर ट्रांस बच्चों के लिए अगर हम बात करें, सो 3 सब्जेक्ट्स तक अगर आप पेपर दे रहे हो सीयूईटी का तो 650 रुपये है, 650 रुपीज़, ठीक है। अप टू 7 सब्जेक्ट्स अगर आप सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो तो आपके 1300 रुपीज़ लगने वाले हैं, एंड अप टू 10 सब्जेक्ट्स 1550 रुपीज़। ओके, तो ये बात समझ आ रही है कि अप टू 3, अप टू 7 सब्जेक्ट्स, अप टू 10 सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, राइट। ये है बेटा पूरा फी स्ट्रक्चर। एंड अगर आप रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो, जो इंडिया के बाहर एग्जामिनेशन सेंटर्स पे जाके एग्जाम देंगे, जो इंडिया से बाहर रहते हैं लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स ही है, या आई डोंट नो, जो भी इंडिया के आउटसाइड है बेसिकली, उन लोगों के लिए फ़ी जो है वो बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। 11,000 उनका है अगर वो 10 सब्जेक्ट देते हैं, 7,500 है अगर वो 7 सब्जेक्ट्स तक देते हैं सीयूईटी के अंदर, एंड 3,750 इफ दे गिव 3 सब्जेक्ट्स, राइट। सो ये है बच्चों आप लोगों के लिए पूरा फी स्ट्रक्चर ऑफ सीयूईटी 2023। इस बार फी जो है वो इंक्रीज करी गई है, राइट। पिछली बार क्या था कि 1 स्लॉट का 650 रुपये था, ओके।
और दो स्लॉट में अगर बच्चे जा रहे थे तो 650+650 यानी कि 1100 रुपये तक बच्चों को पे करने थे, लेकिन अगेन यहाँ पर फी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी गई है। अगेन आई डोंट सपोर्ट दिस बट देन वी डोंट नो, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉस्ट लगने वाली है NTA की भी एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए बड़े लेवल पे ऑल ओवर इंडिया एंड इवन आउटसाइड इंडिया, तो इसलिए फीस जो है वो भी ज़्यादा ली जा रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो नोट्स हैं बेटा इनको ज़रूर रीड कर लेना। ये था आप लोगों के लिए पूरा एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग योर फी स्ट्रक्चर। ओके, सो ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स CUET 2023 के रिगार्डिंग जो है आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने लगा है, लेट्स क्रैक CUET। मैं हूँ जानवी मैना, आप सभी की इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट मेंटोर। मेरी क्लासेस होती है दोपहर में 2 बजे, शाम को 5 बजे, ओनली ऑन यूट्यूब। ओके, सो बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।